गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था उषा पान एंड आयुर्वेदा के हिसाब से आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा रहना चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आपका फुल डे का डाइट प्लान, जिसकी हेल्प से आप इजीली लूज कर सकते हैं 10 से 15 किलो एक महीने के अंदर। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर सबसे लेटेस्ट ट्रेंड जो आया हुआ है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि गोरो के थ्रू हमारे इंडिया के अंदर आया था। वहाँ पे और भी बहुत सारी 3600 तरीके चल रहे वेट लॉस करने के, विच इज़ लाइक ईजी वेट लॉस करने का तरीका एंड शॉर्टकट। जो जो लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करके वेट लॉस किया था एंड जैसे ही वो अपनी एक नेचुरल एक रूटीन लाइफस्टाइल में वापस आए हैं, उनका जो वेट शेड हुआ था उससे डबल उनका बाउंस बैक हुआ है एंड जो बॉडी की हालत टाइट हुई है वो एक अलग कहानी है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी ये वीडियो उस हर पर्सन को शेयर करना जो कि नेचर से लगाव रखता है या फिर जो नेचुरल तरीके से हील होना चाहता है, वेट लॉस करना चाहता है एंड जो जो अपनी बॉडी को बिल्कुल मेडिसिन क्विट करना चाहते हैं, जो मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। ये डाइट प्लान आपको हेल्प करेगा आपके थायराइड से फाइट करने में, आपके PCOD से फाइट करने में, आपको स्किन रिलेटेड एलर्जीज को साइड करने में, आपके मेटाबॉलिक रेट को ठीक करेगा और उसके साथ साथ आपके बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। मेरे पास बहुत सारे पिछले 2 से 3 महीनों में बहुत सारे ऐसे कुछ मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, मेरे क्लाइंट्स आए हैं जिन जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर कीटो या फिर जो भी ट्रेंडिंग डाइट होती है उसको कर करके वेट शेड करके आए हैं और उनकी जो हालत इतनी ख़राब मैंने देखी है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट रिपोर्ट्स हैं उनकी ना। एनीवेज, आज की वीडियो में अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं मिड ब्रेकफास्ट से। नाउ मिड ब्रेकफास्ट के अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करेंगे जो कि फ्रेश हो, लोकल हो, सीजनल हो एंड चीप हो। जब वो सीजनल होगा और लोकल होगा वो नेचुरली चीप होगा। कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी आपके आसपास मिल रहा है और उसके साथ साथ अगर आप एक नारियल पानी अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो वो सोने पे सुहागा है। सो आपने क्या करना है मिड ब्रेकफास्ट के अंदर, विच इज़ लाइक 10 और 11 के बीच में, आपने कोई भी एक सीजनल फ्रूट लेना है जो कि लोकल हो। कोई भी महंगा एक्सपेंसिव फ्रूट नहीं लेना और जो सीजन के अंदर हो। जैसे इस सीज़न में गुआवा बहुत ज़्यादा इन है, इस सीज़न के अंदर अंगूर बहुत ज़्यादा इन है। आप ये दोनों फ्रूट्स में से कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल भी मिल रहा है। इसके साथ आप एक नारियल पानी अपनी डाइट में ऐड करेंगे। अब हम बात करते हैं लंच की। आयुर्वेदा कहता है सनलाइट के साथ साथ आपका मेटाबॉलिक रेट काम करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। सनलाइट जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे मेटाबॉलिक रेट बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे सनलाइट डाउन जाती जाएगी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल डाउन जाता जाएगा। मॉर्निंग का जो मैंने आप लोगों को ब्रेकफास्ट इंट्रोड्यूस किया था वो बहुत ही लाइट था, बहुत हल्का ब्रेकफास्ट था। अब बात आती है लंच की। जब सूरज जी हमारे जो है वो बहुत पीक पे है, एकदम हाई पे एनर्जी पे है, विच मीन्स आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस समय बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो हमारा ब्रेकफास्ट जो था वो लाइट रहा था। अब बात आती है हमारे लंच की। नाउ लंच के अंदर हम लेंगे थोड़ा सा हमारा हैवी मील एंड वो मील्स के क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे। सबसे बेसिक आयुर्वेदा बताता है कि आप खिचड़ी ले सकते हैं, बट लंच के अंदर या पूरे आयुर्वेदिक डाइट के अंदर आपने रॉ सैलेड्स ऐड नहीं करने हैं, रॉ सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ नहीं खानी है। सो हम लेंगे खिचड़ी। मेरे चैनल पे बहुत सारी खिचड़ी इसकी रेसिपी, आप कोई भी रेसिपी आप पिक कर सकते हो, आप उसको ऐड कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर। अगर आपको खिचड़ी पसंद नहीं है आप स्वीट पोटैटो की सैलेड बना के ले सकते हो और वो कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। ओके, यहाँ पे हम बना रहे हैं हमारा स्वीट पोटैटो का सैलेड। ये रहा मेरे पास कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया मेरे पैन में, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने कोकोनट ऑयल लिया है यहाँ पर। यहाँ पे मेरे पास है ये पीनट्स, सबसे मैंने ऑयल में डाला पीनट्स, हल्का सा पीनट हम अच्छे से भूनेंगे, बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे मेरे पास 3 उबले हुए आलू हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए। गैस हम कर देंगे अब बंद बिल्कुल, इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर हल्का सा मैं ऐड करूंगी यहाँ पे नमक। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे सूखा धनिया पाउडर। नेक्स्ट
थोड़ी सी मेरी कसूरी मेथी, एक और बार इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जी हमारी स्वीट पोटैटो की सैलेड, इसके ऊपर हम डालेंगे अब हाफ लेमन जूस एंड इट्स रेडी। अगर आपको मीठा आलू या फिर शक्करकंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, देन हम बनाएंगे ब्रोकली एंड पीनट का सैलेड। वो कैसे बनना है चलते हैं किचन में। ओके, नेक्स्ट हम बना रहे हैं ब्रोकली का सैलेड। अब ब्रोकली मैंने कट करा है और इसको मैंने गर्म पानी में 5 से 10 मिनट के लिए इसको यहाँ पे मैं सोख होने दूंगी, 5 मिनट के लिए एकदम खोलते हुए गर्म पानी के अंदर। तब तक हम तैयार करते हैं हमारा तड़का। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है मेरा टोफू पनीर, सो हम लेंगे जस्ट हाफ टोफू, अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम्स। ये रहा पैन, पैन के अंदर मैं हल्का सा ऑयल डाल रही हूँ, ऑलिव ऑयल, एंड यहाँ पे मैं हमारा टोफू सौते करने रख रही हूँ। बेसिकली हम इसको हल्का सा ग्रिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है मेरी गर्म पानी से निकली हुई ब्रोकली, ये भी मैं यहाँ पे सौते करूंगी बहुत अच्छे से, हम इसको कुक करेंगे बेसिकली। ओके, एंड में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़े से पीनट्स। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हल्का सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर फॉर टेस्ट, एंड हियर वी गो, इट्स रेडी। ओके, सो द सैलेड इज रेडी। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है, मैं आपको देती हूँ पपाया एंड टोफू का सैलेड। बहुत ही सिंपल, बहुत ही यम्मी सैलेड है, कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे पपाया एंड टोफू पनीर का ग्रिल किया हुआ सैंडविच। पपाया हमने रॉ डाला है, बट ये जो टोफू है इसको थोड़ा सा ग्रिल करके नॉर्मल टेम्परेचर पे जब ये आ गया इसको मिक्स कर दिया है, एंड ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये सारी रेसिपीज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं एज पर द आयुर्वेदा फॉर लंच। अब हम बात करते हैं कि लंच का टाइमिंग क्या होना चाहिए। 12 से 1:30 बजे के बीच में आपका लंच का टाइमिंग होना चाहिए। अगर आप इससे लेट करते हैं आपका वेट लॉस होना बहुत टफ है, क्योंकि 2 बजे के बाद तो सूरज का वैसे भी ढलान का टाइम स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे सूरज ढलता चला जाएगा वैसे वैसे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की, जो कि हम लेंगे 4 से 5 बजे के बीच में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि डाइट करते हैं, शिद्दत से करते हैं, बट उनके टाइमिंग मैच नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल इवनिंग टी वो लेते ही 7 बजे है, 6:30 बजे हैं, 5:45 बजे हैं, सो वो डाइट का कोई मायना नहीं रहा। अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की कि हम इवनिंग टी में ऐसा क्या क्या ले सकते हैं जिसकी हेल्प से आपका जो बॉडी है थोड़ा और क्लिंजिंग का काम करे और डिटॉक्स का काम करे। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स इंट्रोड्यूस करी है। मैंने गोखरू की फ्यूजन टी इंट्रोड्यूस करी है, शतावरी टी इंट्रोड्यूस कर रखी है, अर्जुन की छाल की टी इंट्रोड्यूस कर रखी है, और सबसे अच्छी चीज़ ब्लैक जीरे की टी इंट्रोड्यूस कर रखी है। आप इनमें से कोई भी हर्बल टी पिक कर सकते हैं, आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ आप ले सकते हैं रोस्टेड मखाना, या फिर आप उसके साथ ले सकते हैं कोई भी लड्डू। मेरे चैनल पे बहुत सारे देसी लड्डूज हैं, बहुत सारे घर के बने हुए बेसिक लड्डूज हैं। पंजीरी मैंने अपने चैनल पे एक रेसिपी डाली हुई है स्पेशली फॉर विंटर्स। आप इन हर्बल टीज के साथ कोई भी लड्डू या फिर पंजीरी ले सकते हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारे हैं, और बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी भी हैं जिसके अंदर मैंने फ्रेश कोकोनट ऐड करा है, और उससे अच्छा गुड सोर्स ऑफ फैट कोई भी नहीं है। अब हम बात करते हैं जी डिनर की। नाउ डिनर सबसे क्रिटिकल पार्ट, क्योंकि सूरज जी जो है वो जा चुके हैं, ढल चुके हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, विच मीन्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रेस्ट कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब कोई हमारे ऑर्गन्स रेस्ट मोड पे चले जाते हैं, हम उनको पोक करके डिस्टर्ब करें कि यार ये लो खाना और अब इसको डाइजेस्ट करो, तो वो सड़ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, अगले दिन वो उनका मुँह जो होता है ना सूजा होता है, यार मुझसे ओवर टाइम करा दिया, विच मीन्स आपकी बॉडी नेक्स्ट मॉर्निंग ब्लोट हो जाती है। आप अपने ऑर्गन्स को हैप्पी रखेंगे, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हैप्पी रखेंगे, वो आपकी बॉडी को हैप्पी रखेंगे और आपको अच्छा दिखने देंगे।
सो हमें डिनर जो है वो बेयर मिनिमम रखना है, बहुत ज़्यादा हल्का और लाइट। नाउ डिनर में सबसे अच्छा ऑप्शन मैं आपको पता है क्या दे सकती हूँ? दाल का उबला हुआ पानी। हर किसी के घर में दाल, चने, हमारे सफ़ेद चना आराम से बनता है, उसका उबला हुआ पानी कैसे चलते हैं किचन में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिनर का ऑप्शन में है ब्लैक चने का बॉइल्ड वाटर। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे हमारे पास दिन में बनी थी ब्लैक चने की सब्ज़ी, और जब ब्लैक चना उबाला था तब उसका निकला था ये रहा वाटर। तो इस वाटर को हम एज अ सूप के तौर पे ड्रिंक करेंगे रात में, और ये वाला जो वाटर है ये लगा लो 3 से 4 स्कूप ऑफ प्रोटीन के बराबर का पानी है, और ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है एंड हेल्दी है। नेक्स्ट इज, इसको पीने के बाद लोगों को लगता है कि बहुत तेज़ भूख लगेगी, बट जेन्युइनली ये जो भूख है वो किल करता है। इसके पीने के बाद किसी को भूख नहीं लगती और नींद आ जाती है। नेक्स्ट, इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारे सूप्स की रेसिपी है, आप कोई भी सूप इनमें से पिक कर सकते हो। मेक श्योर आप उसमें नमक ना डालें एंड वो सूप आप ले सकते हो, या फिर सब्जियों का उबला हुआ पानी। कोई भी सब्जी अगर आपके घर पे बन रही है तो उसका बॉईल किया हुआ पानी मैं आयुर्वेदा के हिसाब से डिनर की 7 से 8 रेसिपीज आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगी। अब बात आती है जी हमारी नाइट ड्रिंक की। हमने ये सारी चीज़ें ले ली हैं, बहुत अच्छे से चल गई हैं चीज़ें, गुड है। अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की, कि हम रात को ऐसा कौन सी चीज़ें लें जिसकी हेल्प से हमारा जो खाया पिया है वो भी हो जाए डाइजेस्ट, और उसके साथ साथ हमारे को नींद बहुत अच्छी आ जाए। नाउ नींद लाने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो कि हम ले सकते हैं। अब नाइट ड्रिंक क्या लेनी है, वेट लॉस पाउडर कैसे लेना है, चलते हैं किचन में। अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक के लिए हमें चाहिए 1/2 कप गर्म पानी, और ये रहा मेरा वेट लॉस पाउडर जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आई हुई है एंड उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये है मेरा वेट लॉस पाउडर जो डिटो इसका कॉपी है, सो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बट ये अभी आउट ऑफ द स्टॉक है, सो हम इसी से काम चलाएंगे। इसका हम लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 10 मच, 1/2 चम्मच। इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे से, हाँ, एंड इसको अब हम पी जाएंगे। ये सारा घरेलू चीज़ों से बना हुआ है प्रॉपर, बहुत सारे हर्ब्स हैं इसमें, और सेम वो इसी में भी डाल रखे हैं, सो ये आप घर पे भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ वेट लॉस पाउडर का जो लिंक है वो ये रहा जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप यहाँ से अपना वेट लॉस पाउडर ले सकते हैं। और अगर फैट टू फैब का वेट लॉस पाउडर की अगर हम बात करें, ये अभी टोटली आउट ऑफ द स्टॉक है, माइट बी नेक्स्ट वीक तक वो आ जाएगा, एंड देन मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगी। एंड या इस पूरी डाइट के साथ आपको ध्यान रखना है अपने पानी के इनटेक का। जैसे कि मैंने मेंशन करा कि 6 बजे के बाद अब जो सूरज जी हैं वो ढल गए हैं। जिन जिन लोगों का पानी का टारगेट पूरा नहीं होता 2.5 लीटर 3 लीटर का, वो क्या करते हैं जी, घर आ गए तसल्ली से पूरा पानी पी गए और पूरे दिन प्यासे थे। इस तरीके से आपको लगता है कि आपके ऑर्गन्स हैप्पी हैं, नो, पूरा का पूरा पानी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग आपका 1.5 से 2 किलो बढ़ा हुआ आएगा। एंड आप सोचोगे यार मैंने पूरा दिन आयुर्वेदा डाइट करी और मेरा वेट नहीं गिरा, और ऊपर से वो तो बढ़ के आ गया, ये डाइट मेरे लिए नहीं है। चेक करो आपने गलती कहाँ करी। सो पानी का इंटेक कैसे करना है, 6 बजे तक मैक्सिमम पानी को हमने पूरा ख़त्म कर देना। शाम के 6 बजे के बाद जितना आपकी पानी की रिक्वायरमेंट है, हम सिर्फ उतना ही पानी अपनी बॉडी के अंदर ऐड करेंगे। इस डाइट को एग्जैक्टली फॉलो करने से आपका आराम से लूज होगा 10 से 12 किलो तो कहीं भी नहीं गया। अगर आपने ट्रैवल नहीं करा, अपनी नींद का प्रॉपर ध्यान रखा, आपने अपना वेट चेक एवरी सिंगल डे करा, आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लिया, और स्पेशली आपने उन लोगों को ब्लॉक करा जो आपको दिक्कत देते हैं, आपको जज करते हैं, आपको ढंग से रहने नहीं देते हैं, आपका वेट लॉस आराम से होगा 15 किलो तक, बड़े आराम से होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये डाइट आपको हील करेगी इंटरनली, बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स इसमें एडेड है। सो या दैट्स इट, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जिसके अंदर मैं पोस्ट करूंगी हमारे डिनर रेसिपीज एज पर द आयुर्वेदा। टेक केयर जी, बाय बाय एंड हैप्पी वेट लॉस जर्नी। एंड मैं आप लोगों के सबकी बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स का वेट करूंगी मेरे इंस्टाग्राम पे।